સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહીના પગલે એનડીઆરએફની ટીમના ધામા ચોટીલા પંથકમાં અગાઉના હોનારતને ધ્યાને લઈને સરકારે મોકલી ટીમ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સજ્જ બન્યું સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદની છે આગાહી ગત રાતથી વરસાદ ધીમી ગતિએ વરસી રહ્યો છે ત્યારે હાલ સવારથી જ વરસી રહ્યો છે વરસાદ ત્યારે એનડીઆરએફની ટીમને ચોટીલાથી લીમડી સુધીની સોંપી જવાબદારી एनडीआरएफ की टीम एक चोटीला में डिप्लॉयड की गई है। हमारा एएमडी का दो दिन का हाई अलर्ट दिया गया है। उसमें एक टीम सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में तैनात किया गया है जो अभी चोटीला में रोकी गई है। तो चोटीला से और लिमड़ी का एरिया है जो लो लाइन एरिया है उसके लिए एक टीम को यहाँ तैनात किया गया है और अगले दो दिन में भारी बारिश होने की संभावना दी गई है। तो उसमें किसी भी परिस्थिति से गुजरने के लिए बाढ़ के जैसे भी हालात होता है उसको निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को यहाँ बुलाया गया है और डायरेक्ट हमारा डीएम डिजास्टर जो कलेक्टर ऑफिस है डीएम साहब है उससे हमारा संपर्क बना रहता है। तो उस दौरान किसी कोई भी परिस्थिति होगी तो हमें बताएंगे और तुरंत हम रेस्क्यू के लिए निकल जाएंगे। चोटीला में कितना बारिश पड़ेगा दो दिन में? तो चोटीला में प्रेडिक्शन दिखा रहा है कि 249 mm बारिश अभी फिलहाल दिखा रहा है और अभी बारिश अभी सुबह मॉर्निंग से कंटिन्यू चालू है। हैवी रेनफॉल हो रहा है तो अभी हमारी टीम पूरी इसके लिए तैयार है।